सनी देओल की गदर 2 को लेकर बड़ा अपडेट, मेकर्स ने लिया एक और नया फैसला। बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने वाली सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर गदर 2 एक बार फिर सिनेमा घरों में लौटेगी। फिल्म 4 अगस्त को थिएटर्स में दोबारा रिलीज हो गई है, लेकिन इस बार ये बधिर दर्शकों के लिए जो है इंडियन साइन लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है। गदर 2 का खुमार पिछले साल देश भर में लाखों लोगों पर देखने के लिए मिला था। ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म को ISS में रिलीज करने का उद्देश्य दिव्यांग दर्शकों को इमर्सिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रदान करने का है। वहीं इस कदम के लिए जी स्टूडियोज ने फिल्म की पहली सालगिरह के ठीक पहले इंडियन साइनिंग हैंड्स नामक संगठन से साझेदारी की है। वही दोस्तों, इस पहल को लेकर फिल्म की एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने कहा, गदर फिल्मों का हिस्सा बनना मेरे लिए खास सफर रहा है। ये बात बहुत अच्छी है कि हम सकीना की कहानी को बड़े पर्दे पर खास दर्शकों के लिए फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें हमारे जैसे सिनेमा का पूरा आनंद लेने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पहल अनेक फिल्म निर्माताओं को सिनेमा को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं सनी देओल ने कहा, गदर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसकी मेरे दिल में एक खास जगह है और हमेशा रहेगी। रिलीज के एक साल बाद भी दर्शकों से मिल रहे प्यार और समर्थन को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इंडियन साइन लैंग्वेज के साथ ये फिर से रिलीज होने से फिल्म इस बार और ज्यादा दर्शकों के दिल को छू पाएगी। गदर 2 साल 2001 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा का अगला सीक्वल है। इसमें सनी देओल ने तारा सिंह और अमीषा पटेल ने सकीना का किरदार निभाया है। वहीं इसमें उत्कर्ष शर्मा भी हैं, जो कि उनके बेटे चरणजीत के रोल में नजर आए हैं। फिल्म की कहानी 1971 के तीसरे भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें तारा सिंह अपने बेटे चरणजीत को वापस लाने के लिए भारत विरोधी क्रश इंडिया अभियान के बीच लाहौर पाकिस्तान लौटते हैं। वही दोस्तों, ये पिछले साल 11 अगस्त को रिलीज हुई थी और फिल्म ने दुनिया भर में 686 करोड़ रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। वही दूसरी ओर इसके सीक्वल का भी इंतजार किया जा रहा है। मेकर्स ने कहीं ना कहीं ये हिंट दिया है कि वो गदर 3 भी लेकर आएंगे। खैर दोस्तों, अब आपका इसको लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।